अंतिम कॉलम में हम लोगों ने कुछ एडिट नहीं किया, जो फाइनल वाला कॉलम है फिल स्पेशल परमिट डिटेल, इसको ही हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पे। फिर इसके बाद में एक और बार पूछेगा यस, तो आपको बोलना है यस, और इसके बाद में वो चला जाएगा दूसरे नए वाले विंडो पे कि जहाँ पे वो आपको पेमेंट के विंडो पे लेके जाएगा। आपका पेमेंट है अभी फिलहाल एक दिन का 471। तो देखो दोस्तों, ये इतना कम पेमेंट है, अगर आप ये आरटीओ के कोई एजेंट से निकालने जाओगे तो आपको 600-700 या 800 रुपीज पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग लास्ट स्टेप माने पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है ये जो है पेमेंट गेटवे। गेटवे का मतलब होता है कि हम परिवहन को मतलब ई वाहन को पेमेंट किसके थ्रू दे रहे, तो हम लोग दे रहे एसबीआई के थ्रू। इसलिए यहाँ पे हमको क्लिक करना है एसबीआई ई पे पे। नीचे डिस्क्लेमर है आई हैव रीड अबाउट ऑल, इस पे क्लिक करना है। आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फाइनल पेज आ जाएगा कि आपको पेमेंट किसके थ्रू करना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। तो आपका जो भी प्रॉपर मोड है पेमेंट का उसको चूज कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग कीजिए, डेबिट कार्ड कीजिए, कोई भी आप मोड चूज कर दीजिए और इतना अमाउंट आप पे कर दीजिए। इतना अमाउंट पे करने के बाद में आपको पेमेंट सक्सेसफुल, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए डेमो था ये, तो इसमें मैं ये पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इसके आगे जो होने वाला है वो बता रहा हूँ। आपने यहाँ से प्रॉपरली पेमेंट जब आप करोगे, पेमेंट करने के बाद में आपका सक्सेसफुल पेमेंट जब मैसेज आएगा, उसके बाद में आपको ये विंडो को क्लोज नहीं करना है। पेमेंट होने के बाद में, पेमेंट होने के बाद में इमीडिएटली ये फिर एक बार ये जो विंडो है ये फिर एक बार आपके आरटीओ के मतलब परिवहन के वेबसाइट पे आएगा और वहां पे डाउनलोड ऑप्शन होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और आपका हेलो। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे, ये पेमेंट करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो होगा वो इस तरह की एक पीडीएफ आ जाएगी। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डाउनलोड पे क्लिक करना है।
तो ये पीडीएफ आपको इस तरीके से दिख जाएगी। ये है आपकी रिसिप्ट, ई रिसिप्ट कि आपने टेम्पररी परमिट के लिए अप्लाई किया है। और ये ई रिसिप्ट आने के बाद में आप आपका परमिट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका जब परमिट डाउनलोड होगा तो ये परमिट आपका इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा होगा स्पेशल परमिट, यहाँ पे आपका व्हीकल का ओनर का डिटेल, पूरा ओनर के डिटेल्स होंगे, उसके बाद में आपके व्हीकल का डिस्क्रिप्शन होगा, और उसके बाद में आपका रूट होगा, उसके बाद में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो होगा, और इसके आगे वाला जो पेज है उस पर पैसेंजर लिस्ट होगी पूरी की पूरी। तो इस तरीके से आप, ये है आपका सैंपल या फाइनल जो भी आपका पुलिस ये स्पेशल परमिट होने वाला है, वो आपका स्पेशल परमिट इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे लिस्ट भी आएगा आपका पैसेंजर लिस्ट, और पूरा डिटेल भी आएगा कि कहाँ से लेके कहाँ पे आपका व्हीकल, कितने दिन ये व्हीकल का स्पेशल परमिट का वैलिडिटी कहाँ से, ये डेट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद में आपको स्पेशल परमिट का इम्पोर्टेंस और इसको बनाना कैसे ये मालूम पड़ गया होगा। तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट था आपको बताने का कि स्पेशल परमिट कैसे डाउनलोड किया जाता है या कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसे लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कुछ क्वेरीज होगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए आपके मेरे अपने खुद के चैनल पे इमरान तंबोली। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक यू।